मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। उत्तर प्रदेश का जनादेश आ चुका है, भाजपा यूपी के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को शिकस्त मिली है। लेकिन इस शिकस्त ने भी अखिलेश यादव के हौसले पस्त नहीं किए हैं, उल्टे अखिलेश यादव ने इन नतीजों को भी बेहद सकारात्मक ढंग से लेने की बात कही है। प्रदेश की जनता को आभार जताते हुए एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हार के बावजूद अखिलेश यादव के हौसले बाबुलंद होने के पीछे दरअसल कारण भी वाजिब है। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जहां महज 47 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, वहीं अब की बार सपा को कुल 125 सीटों पर फतह हासिल हुई है। इतना ही नहीं, इन चुनावों में सपा के वोटिंग परसेंटेज में भी उछाल दर्ज किया गया है, जो 20% से बढ़ते हुए 32% तक पहुंच गया है। यानी समाजवादी पार्टी को मिली हार के बावजूद उसके पास खुश होने के लिए एक कारण भी जरूर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इसी के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मिली हार के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पहली प्रतिक्रिया दी है और अपनी सफाई पेश की है। मायावती ने चुनाव में हार का ठिकड़ा समाजवादी पार्टी के सिर पर फोड़ा है। मायावती ने कहा है कि झूठी खबरें फैलाई गई हैं और ये माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि चुनाव में टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। इसके कारण बड़ी संख्या में वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैंने किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि BSP भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। मायावती ने यह भी कहा है कि चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक है। 2017 से पहले बीजेपी का हाल भी खराब था। परिणाम से हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हमें जी जान से पार्टी के काम में लगे रहना है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा बुरा हाल CM बनने का दावा करने वाली मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी BSP को हुआ है। यहाँ तक कि मायावती की पार्टी अपना दल निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सामने भी नहीं टिक पाई। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से मायावती की पार्टी BSP महज एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव के BSP को 2022 के विधानसभा चुनाव में 10% से करीब कम वोट मिले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत और खुद की हार पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को सत्ता देने का फैसला किया है और वो उनके फैसले का सम्मान करते हैं। हैदराबाद में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि यूपी की जनता ने बीजेपी को सत्ता देने का फैसला किया है, मैं जनता के फैसले का सम्मान करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं, सदस्यों और जनता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें वोट किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास काफी थे लेकिन परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए, हम फिर से कड़ी मेहनत करेंगे।
ओवैसी ने आगे कहा कि सभी राजनीतिक दल ईवीएम के मुद्दे को उठाकर अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम की गलती नहीं है बल्कि लोगों के दिमाग में चिप है। सफलता मिली है लेकिन 80-20 है। ओवैसी ने कहा कि हम फिर से मेहनत करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम अगली बार बेहतर करेंगे। कांग्रेस को लेकर जब पत्रकारों ने ओवैसी से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। नहीं, मैं कांग्रेस के प्रियंका गांधी, अब उस मैं उसके उनके बारे में मैं क्यों बोलूं भाई, खामखा उनको उनको क्यों इज्जत बख्शूं मैं अपनी जबान से उनका नाम लेकर उनके बारे में बोलकर। हैदराबाद के सांसद ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लखीमपुर खीरी में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 80-20 की जीत है। ये 80-20 की स्थिति सालों तक रहेगी। ओवैसी ने कहा कि लोगों को ये समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा जोश अभी भी ऊंचा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में पंजाब छोड़ बाकी सभी राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाने में लगभग कामयाब हो गई है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने फिर से वापसी कर इतिहास भी रचा है और दशकों पुराना मिथक भी तोड़ा है। अब इन सब के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। प्रशांत किशोर ने इस जीत पर कहा कि भारत की असली लड़ाई के नतीजे साल 2024 में आएंगे। प्रशांत किशोर ने आज एक ट्वीट करते हुए लिखा, देश के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और तभी नतीजे आएंगे, इस विधानसभा चुनावों में नहीं। ट्वीट में प्रशांत किशोर ने आगे लिखा कि साहेब ये जनता है, इसलिए राज्य के परिणामों के जरिए विपक्ष के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक धारणा बनाने की चाल चल रहे हैं। इस झूठी कथा में मत फंसे और इसका हिस्सा मत बने। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कल पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और उस दौरान कहा था कि इन चुनावों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। बता दें कि कल यानी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब के चुनाव नतीजे आए हैं। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। वहीं पंजाब में आप पार्टी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और इस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। लगातार पिछले 4 दिनों से डेली मामले 5,000 से कम आ रहे हैं, जहां बीते दिन देश में कोरोना के 4,184 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि कोरोना से 104 लोगों की मौत हुई थी। आज आए मामलों में कल के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी हुई है। आज देश में पिछले 24 घंटों में 4,194 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,84,261 हो गई है। वहीं आज मौतों के मामलों में भी थोड़ा इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 255 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,15,714 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.70% है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हरा कर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 6,208 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,26,328 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 50,000 से नीचे पहुँच गए हैं। अब एक्टिव केस 42,219 हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 16,73,515 खुराकें लोगों को लगाई गई और अब तक वैक्सीन के कुल 179,72,515 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 8,12,365 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 77,69,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार के मुताबिक केरल में 1426 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और इस दौरान 227 मरीजों की मौत हुई है।
नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 452 लोगों को संक्रमित पाया गया है और 4 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक में 217 मामले सामने आए हैं और 7 मौतें दर्ज हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 129 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 2 मरीजों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। एक दिन में 13 लोग ठीक हुए हैं और किसी की मौत भी नहीं हुई है। असम में कुल एक्टिव मामलों की संख्या अब 28 है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 212 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 260 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वहीं राज्य में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 937 है और कुल पॉजिटिविटी रेट 0.56% है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।